बात है इनकी सरकार, लाल टेन प्रदेश बनाकर रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेत में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहां। तो शिवराय ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जहां बीजेपी ने विकास किया है, वहीं कांग्रेस ने अलगाववाद, तुष्टीकरण, आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है। आदित्यनाथ सीहोर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एमपी में जमकर गरज रहे हैं। सीहोर में बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय के समर्थन में एक सभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अद्भुत विकास हुआ है। कांग्रेस के 15 सालों में अलगाववाद, तुष्टीकरण, आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। योगी ने कहा, बीजेपी की सरकार देश हित में निर्णय लेने से डरती नहीं है। हमने राष्ट्रवाद के हित में संकल्प लिया, उस पर अडिग रहेंगे। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, तो जनपद और कमिश्नरी का नाम अयोध्या होना चाहिए। हमने वो कर दिया, प्रयागराज नाम प्रयागराज होना चाहिए। हर वो काम जिससे भारत का सम्मान बढ़े, उसे करने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश में बिजली नहीं मिलती थी, उस मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करने और मध्य प्रदेश को भी पावर सरप्लस राज्य के रूप में स्थापित करने का कार्य अगर किसी ने किया तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, लेकिन कांग्रेस के शासन में अराजकता, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, दंगे, गुंडागर्दी, ये कांग्रेस की पहचान थी। आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी के लोक कल्याणकारी और जनहितकारी योजनाओं के कारण चौथी बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 15 साल पहले एमपी की छवि क्या थी? डकैतों के गिरोह, गुंडागर्दी, आतंकवादी, जगह जगह अराजकता के वातावरण निर्मित था, लेकिन अब एमपी शांत और विकसित है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जिंदाबाद, जिंदाबाद। याद है इनकी सरकार। अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दें।